हम कोटा में फंसे हुए थे, कितना एप्लीकेशन डाले, सब जाता था कि परमिशन के लिए, कहाँ परमिशन देता था, छोड़ दिए बाहर में मरने के लिए, कुछ खाना का इंतजाम नहीं था। ये नल्ला सरकार है, नल्ला। इनको विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन की सरकार, इस पे क्या टिप्पणी किया जाता है? सुशासन घंटा कुछ नहीं करते, दम नल्ला सरकार है, बिना दहेज का शादी नहीं करता है। लेकिन सरकार तो बस रूस बनाएगी ना, यूथ हो, दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। फर्स्ट टाइम वोटिंग? हाँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, किन मुद्दे पर दिया आपने? के विकास पे, यही मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य यही मुद्दा है। किस क्लास में हो? हम तो 12th पास है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया वो कमिटमेंट पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेंगे, नीतीश कुमार की तरह। नल्ला सरकार है, वोट रोड बनाकर खाली वोट बैंक लेते हैं, झुटपुटिया रोड बनाकर, यही तो सरकार है। लेकिन इनको तो विकास, कितना आदमी मर गया कुछ देखने आ रहे? वो कुछ नहीं देखा है, खाली घर में बैठ के आराम किए बस। ये नल्ला सरकार है, नल्ला। इनको विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन की सरकार, इस पे क्या टिप्पणी किया जाता है? सुशासन घंटा कुछ नहीं करते, दम नल्ला सरकार है। बाहर में जितना छात्र था सब रो रहा था कोटा में, आने दो, ये नहीं आने देंगे। सब योगी सब तो जाने दे रहा था, ये नीतीश कुमार नहीं, बाहर में रहेगा। ये चाहते हैं कि यहाँ का बिहार का जनता विकास ना करे, खाली खुद पे हम लोग का परिवार खाली विकास करे, वो चाहते हैं। क्या लगता है तेजस्वी आएंगे तो मजदूरों का पलायन रुकेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी बिहार? एकदम लगेगी, जो वादा किए पूरा करेंगे, वो 10 लाख नौकरी देंगे, कारखाना खोलेंगे, जितना चीज बंद है वो सबको चालू करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, एकदम सुधरेगा। अभी तो सरकारी में जाइए कुछ नहीं होता, सब बैठ के ऐस करता है। हम कोटा में फंसे हुए थे, कितना एप्लीकेशन डाले, सब जाता था कि परमिशन के लिए, कहाँ परमिशन देता था, छोड़ दिए बाहर में मरने के लिए, कुछ खाना का इंतजाम नहीं था। तो उस लॉकडाउन के बाद आए हम, दम नल्ला सरकार है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत। कैसे निकले उस परेशानी से, कैसे आए वहाँ से? पापा है, पापा लेने आए, कुछ नहीं किए, पर बस तेजस्वी सरकार ने बस मतलब इंतजाम किया, वो भी नहीं उसको अलाउ किया कि आए अपने से। गरीब लोग तो मर रहे हैं बाहर में, बहुत स्थिति खराब है नीतीश कुमार, दम नल्ला सरकार है। खाली रोड बना के छुटपुटिया काम करा के वोट बैंक बनाता है कि देखिए हम विकास काम किए, कुछ नहीं किया है। इस एरिया से क्या लगता है, किसकी मतलब माहौल किसका है? इस बार रीतलाल यादव जी जीतेंगे, एकदम विकास करेंगे वो, एक बार मौका मिल के तो देखे, एकदम विकास करेंगे। आशा सिन्हा आती भी नहीं है इधर, खाली शादी में आएगी, पूरी पुलाव खा के फरार हो जाएगी। मौजूदा विधायक से कभी मिले हैं आप ऐसे कि वो किसी सामाजिक कार्य के लिए आए? मिले नहीं हैं हम, पर उनका उम्मीद है हम पे, वो करेंगे एकदम काम। किन मुद्दे पर आपने मतदान किया? रोजगार, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा है। मैम पढ़ते हो? यस मैम। किस क्लास के स्टूडेंट? इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग, गुड। तो क्या लगता है तेजस्वी जब सरकार में आएगी तो वो काम करेगी, जो वादा उन्होंने किया है 10 लाख नौकरी का पूरा करेंगे? दम करेंगे, 15 साल हम सब झेल चुके हैं। झेला है अपने नीतीश को? यस मैम, मैंने एप्लीकेशन दिया, मैं तो भोपाल में फंसा हुआ था। अच्छा। मैं आने के लिए एप्लीकेशन दिया, बोला कि ट्रेन ही नहीं है, बताइए। हम सब भूख रहे, एक टाइम खाना खाते थे भोपाल में, इतना नल्ला सरकार है, और इसको तो हम एटमॉस्फेयर में डंप करेंगे मैम, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को, दोनों को एटमॉस्फेयर में डंप होगा, दम नल्ला सरकार है। क्या लगता है तेजस्वी की सरकार बनेगी तो वो काम करेगी या फिर और सारे नेताओं की तरह वो भी बस वादा करके मुकर जाएंगे? ये तो मैम 5 साल मौका देना चाहिए तेजस्वी सरकार को, 15 साल क्या हुआ क्या नहीं, 15 साल नीतीश कुमार को भी तो मिला मौका, वो बोलते हैं कि जंगल राज, जंगल राज, ये क्या मंगल राज है, दिल्ली रेप बलात्कार चोरी डकैती होता है। आपके अकॉर्डिंग चोरी डकैती होती है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया तो इसे सुशासन की सरकार कहती है। कुछ सुशासन नहीं है, ये कुशासन की सरकार है, और इसको नीतीश कुमार को जगह नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा, ये सीधे जाएंगे एटमॉस्फेयर में। दिल्ली में ऑनलाइन मिलता है सर, आप फोन कीजिए, आ जाएगा दारू, और वो भी दारू बंद है लेकिन बिहार में
बंद नहीं है मैम, नदी के रास्ते से आता है। बिहार में सोलन नदी है और सोलन नदी से दारू ट्रांसफर होता है। कोई गंगा नदी, कोई सोन नदी, कोई फल्गु नदी और कोई नेपाल के रास्ते से दारू आता है। लेकिन सरकार का दावा है दहेज बंद, दारू बंद। दहेज तो मैम खुलेआम कुर्सी से नीचे मिल रहा है दहेज, खाली पेपर पर है, बंद है। लेकिन बिना दहेज का शादी नहीं करता है। लेकिन सरकार तो बस रूल्स बनाएगी ना, यूथ हो दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं।